टुडे वी एव यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मांडविया आल्सो हैज गॉट चार्ज ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ही विल टॉक टू अस अबाउट कोविड एंड मैनी अदर थिंग्स वेलकम टू पी सर थैंक्स थैंक्स फॉर टॉकिंग टू पी टी सर सर तीन साल से ज़्यादा हो गए कोविड को आए हुए कब, अब ऑलमोस्ट नहीं खबर दिखता है दिन भर में कुछ पचास साठ केसेस आ रहे हैं बीच में कुछ दिन पहले एक दोबारा एक वेव टाइप का आया था लेकिन कुछ उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लिया गया स्पेशली इंडिया के जिस तरह से हैंडल किया उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है इस बारे में सर लेकिन जब स्टार्ट में शुरुआत हुई थी तो काफ़ी चीज़ें आगे पीछे हो रही थी हाई कुछ चीज़ जो कि एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया गया फिर खोल दिया गया स्टार्टिंग में जो बोलते हैं टी थिंक ट्रेवल्स होते हैं वो सब थे लेकिन एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छे से गजरा इन के पीछे जो ये तो हम सबको पता है लेकिन इसके पीछे इन निर्णयों के पीछे क्या चल रहा था कैसे चल रहा था उस बारे में आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे सर जब दुनिया में और देश में कोविड आया और उस वक्त जब कोई डिजास्टर होता है आपदा होती है तो दो चीज महत्वपूर्ण होती है एक डिसीजन दूसरा टाइम पे डिसीजन मोदी गवर्नमेंट डिसिसिव गवर्नमेंट है और इसलिए जब देश में कोविड आया तो हमारे सामने तीन बड़ी चैलेंज थी एक तो इंडिया इज़ ए बिग कंट्री ह्यूज डाइवर्सिटी 1.3 बिलियन पॉपुलेशन और उसके लिए मेडिसिन की कमी ना हो पहला दूसरा हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है क्राइसिस में भी हमारा टाइटल जाना नहीं चाहिए हम वसुधैव कुटुंबकम की फिलोसोफी में मानने वाले देश हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश के प्रति तो हमारी जिम्मेवारी है ही लेकिन इन्हें हेल्थ सेक्टर भारत के लिए हेल्थ एक कभी कॉमर्स नहीं है भारत के लिए हेल्थ है सेवा है तो दुनिया की सेवा भी हमें करनी है दुनिया की ज़रूरत भी पूरा करना है हमारा टाइटल फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड उसको बरकरार रखना है तीसरा देश में मेडिसिन की किल्लत ना हो यानी कि लॉकडाउन में भी मैन्युफैक्चरिंग चालू रहे ये तीन चैलेंज को देखते हुए हमने रणनीति बनाई और ये रणनीति कारगत रही उसका नतीजा ये है कि पोस्ट कोविड के बाद भी दुनिया हिंदुस्तान की प्रशंसा इसलिए कर रही है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो संकट के समय में हमारे साथ खड़ा रहता है हमें मदद करता है हमें सहयोग करता है इसलिए आज हमारा कोविड मैनेजमेंट की वजह से कोविड के दरमियान हमने दुनिया के प्रति हमारी जिम्मेवारी हमने अदा की उस वजह से दुनिया हमारी सराहना भी करती है और दोस्ती भी निभाती सर आपने और प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस दौरान बात की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की कोविड की लड़ाई में भी इसका काफ़ी 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 इसको फॉलो किया गया हालांकि कुछ विपक्षी राज्यों ने विपक्षी पार्टी के शासित राज्यों ने इस पर कुछ क्वेश्चंस भी उठाए तो लेकिन उसके हिसाब से कि, कितना सक्सेसफुल रहा हमारा दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? ये हमारी डेमोक्रेसी का हार्ट है आत्मा है उसको बरकरार रखना ये मोदी जी की मोदी गवर्नमेंट की कार्य रीति नीति पद्धति रही है आपने देखा होगा कोविड क्राइसिस के दरमियान बहुत सी राजनीति होती रही बहुत सी विपक्ष लोगों ने राजनीति भी की लेकिन मोदी जी ने हमें मंत्र दिया था कि देश अभी संकट में है और संकट की स्थिति में हमें कोई राजनीति नहीं करनी है सभी राज्यों के साथ सहयोग करना है यानी कि राज्यों के साथ राज्य स्टेट उसको लीड करें सरकार उसको सहयोग करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सहयोग करेगी आपने ये भी देखा होगा 2014 के पहले कोई भी स्टेट में आपदा होती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्लाई होता था कि इट इट इज हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट मोदी गवर्नमेंट ने यह नहीं कहा और स्टेट के साथ खड़े रहे स्टेट के साथ मीटिंगें की ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस नंबर ऑफ टाइम प्रधानमंत्री जी ने स्टेट के साथ बातचीत की राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की एज ए हेल्थ मिनिस्टर मैंने और मेरे प्रदेश सर ने भी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ बातचीत की और हर संभव हमने स्टेट गवर्नमेंट को मदद किया स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिमांड रखी फॉर एग्जाम्पल ये समय में स्टेट अपनी ओर से अपनी सुविधा उपलब्ध कर ले अच्छी बात है हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये स्टेट कौन सी कौन सी पार्टी का की रूलिंग गवर्नमेंट है ये हमारी पार्टी की रूलिंग गवर्नमेंट है नहीं है उसमें हम नहीं गए कोई राज्य ने मास्क मांगा हमने उसको मास्क दिया कोई राज्यों ने वेंटिलेटर मांगा हमने उसको वेंटिलेटर सप्लाई किया कई राज्यों ने जब सेकंड वेव चल रहा था तो ऑक्सीजन क्राइसिस थी तो हमने समान धोरण पर ऑक्सीजन सप्लाई किया हमारे सामने बहुत राजनीति हुई आपने ये भी देखा होगा दिल्ली में ऑक्सीजन रखने की जगह नहीं थी लेकिन भी ऑक्सीजन नहीं है ऐसा करके कोर्ट में जाके हुक्म लेके आए और हमने यहाँ गाड़ियाँ लगा दी कई राज्यों को हम नहीं पहुँचा पाए और कोर्ट की कहने से हमें यहाँ रखनी पड़ी गाड़ियाँ सड़क पे घूमती रही लेकिन हमने राजनीति नहीं की हमने राज्य को और उस वक्त राज्यों ने कहा कि हमें वैक्सीन चाहिए और वैक्सीन हम राज्य भी प्रोक्योर करें तो मोदी जी ने कहा कि 25 परसेंट राज्य भी स्टेट भी प्रोक्योर करके लगा सकते हैं हमने ना नहीं किया स्टेट ने कहा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो मोदी जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं हम आपको उपलब्ध करा देंगे तो हमने कोविड क्राइसिस के दरमियान राज्य सरकार को आर्थिक मदद किया टेक्निकल सपोर्ट किया ऑल टाइप ऑफ हैंड होल्डिंग हमने स्टेट गवर्नमेंट को किया अपने ये भी देखा होगा ई पी आर सी वन इमरजेंसी कोविड पैकेज वन पंद्रह हजार करोड़ इमरजेंसी कोविड पैकेज टू तेईस हजार करोड़ और आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन सिक्सटी फोर थाउजेंड करोड़ रुपया हमने स्टेट के लिए खर्च करने के लिए स्टेट को दिया इतना ही नहीं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होता है एन फंड स्टेट में होता है उसमें से भी भारत सरकार का फंड में से भी फिफ्टी परसेंट स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको जरूरत लगे कोविड मैनेजमेंट के लिए संसाधन उपलब्ध कराने के लिए तो कर सकते हैं हमने ये भी उसको सहायता कर दी बहुत राजनीति कई पॉलिटिकल पार्टी ने की लेकिन जब देश आपदा में होता है तब मोदी जी ने हमें गाइड किया था कि हमें कोई राजनीति नहीं करनी है देश को बचाना है तो हम देश को बचाने में लगे और मैं दावे के साथ कहता हूँ देश में उसकी प्रशंसा हुई आपने ये भी देखा होगा राजनीति करते करते भी सभी स्टेट गवर्नमेंट ने सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने हमने मेडिसिन उपलब्ध कराई हम मोदी जी को थैंक यू कहते हैं हमें ऑक्सीजन उपलब्ध कराया मोदी जी को थैंक यू कहते हैं हमें पी किट उपलब्ध कराई मोदी जी को थैंक यू कहते हैं कई बार कई राज्य के मुख्यमंत्री बोले कई राज्य से कई राज्य के लोग भी बोले तो ये बताता है कि हमने कोविड क्राइसिस के दरमियान कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हर संभव जो भारत सरकार ने एक जिम्मेवारी के साथ एक आपदा में क्या जिम्मेवारी होती है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में देश में काम किया सर इसमें तीन तीन अलग अलग लेवल पे काफ़ी आपने जैसे बोला काफ़ी तारीफ़ हुई बाकी हर चीज़ों की ऑक्सीजन पीपी किट लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी पहले वैक्सीन बनाना हमने बनाया फिर वैक्सीन का वितरण लगाना और फिर मुफ्त में ऑलमोस्ट सबको आई थिंक मोर देन वास्ट वास्ट मेजोरिटी को मुफ्त मिलाया गया इसके पीछे रणनीति क्या थी ये बहुत महत्वपूर्ण रणनीति है ये देश का देश की क्षमता क्या है ये जो हमारी कोविड वैक्सीन की हिस्ट्री है ये देश की की का सामर्थ्य का प्रतीक है ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी और नहीं है सवाल इतना ही था टाइम पे डिसीजन करने वाली लीडरशिप का अभाव था जब दुनिया में कोविड आया इंडिया में भी कोविड आया दुनिया में लॉकडाउन लगा इंडिया में भी लॉकडाउन लगा और तब प्रधानमंत्री जी ने देश के साइंटिस्ट के साथ एक मीटिंग की थी और हमारे साइंटिस्ट को प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि क्या हम कैसे कोविड के सामने लड़ेंगे तब हमारे साइंटिस्ट कम्युनिटी ने कहा कि अननोन वायरस है क्या बिहेवियर करेगा ये हमें नहीं दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता नहीं है लेकिन वो वायरस होने से वैक्सीन उसका इलाज हो सकता है और तब स्थिति ये थी ये देश में रूबेला का वैक्सीन आया हो पोलियो का वैक्सीन आया हो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आया हो कोई भी वैक्सीन आया हो दुनिया में रिसर्च होता था दस साल पंद्रह साल के बाद इंडिया में वैक्सीन आता था ये स्थिति कोविड में होगी तो क्या होगा ये आप केवल कल्पना कर सकते हैं लेकिन मोदी जी ने साइंटिस्ट कम्युनिटी को कहा कि हम वैक्सीन का रिसर्च कर सकते हैं हमारे साइंटिस्ट ने कहा हम सब अवश्य प्रयास करेंगे एक ही सेंटेंस मोदी जी ने जो हमारे देश के साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करने के लिए कहा था क्या प्रयास करिए मुझे विश्वास है मेरे देश के साइंटिस्ट की शक्ति पर सफलता आपकी निष्फलता मोदी की जो संसाधन की आवश्यकता होगी भारत सरकार उपलब्ध कराएंगे फंड की आवश्यकताओं की भारत सरकार उपलब्ध कराएंगे जो भी चीज़ की आवश्यकता होगी भारत सरकार की ओर से सुविधा उपलब्ध होगी साइंटिस्ट कम्युनिटी को साइंटिस्ट टीम को और मुझे खुशी इस बात की है कि दुनिया में फर्स्ट डोज 2020, 20 दिसंबर 2020 को फर्स्ट डोज लगा एक महीने के अंदर ही नाइन्थ सिक्सटीन जनवरी 2021 इंडियन रिसर्च इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ फर्स्ट डोज इंडिया ने लगा दिया ये इंडिया की सामर्थ्य की एक सक्सेस स्टोरी है और कोविड वैक्सीन की भी एक सक्सेस स्टोरी है दूसरा ये वैक्सीन का रिसर्च हुआ रिसर्च होने के बाद वैक्सीन लगाना और ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज थी कि इतने बड़े देश में यहाँ तो तुरंत ही पॉलिटिक्स चालू हो जाता है तो एक और हमें यहाँ होने वाले पॉलिटिक्स का भी सामना करना था और इतने बड़े देश जिसका पॉपुलेशन 130 करोड़ हो ये देशवासियों को वैक्सीन ही लगाना था तो हम कौन सी चीज़ में ध्यान दें आपने देखा होगा वैक्सीन का रिसर्च हुआ तो कंपनियों ने विपक्ष ने कहा कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है अच्छी होती तो मोदी क्यों नहीं लगाता वैक्सीन के सामने क्वेश्चंस खड़ा कर दिया जो देश के लोगों को बचाने के लिए था उस वक्त विपक्ष की जिम्मेवारी थी कि देश को मदद करे देश के प्रधानमंत्री और देश की कोई भी सरकार हो उसको मदद करना चाहिए जब १९७१ का बांग्लादेश के सामने वोर चल रही थी तो हम उस वक्त जनसंघ के रूप में वाजपेयी जी थे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म करने के जगह पे सपोर्ट किया था इंदिरा जी की सराहना की थी वो सराहना ना करे तो कोई नहीं लेकिन राजनीति चालू कर दी और उंगली उठाना चालू कर दिया ये वैक्सीन अच्छी नहीं है अच्छी होती तो मोदी क्यों नहीं लगाता मोदी ने कहा कि मैं नहीं लगाऊंगा, ये वीआईपी आई कल्चर ये देश में नहीं है जो और कोई सरकार होती तो पहले मंत्री को लग जाते वी 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 को लग जाते ये सब हो जाता लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया मोदी जी ने कहा कि मेरे देश को बचाने वाले मेरे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स नर्स हमारे पुलिस जवान हमारे पैरामेडिक स्टाफ सब लोग देश के लोगों को बचाने में लगे थे उसको पहले वैक्सीन मिलनी चाहिए मोदी जी ने उसको पहले वैक्सीन दिया दूसरा कहा कि 60 एबो कोमोरबिड को वैक्सीन मिलनी चाहिए उसको वैक्सीन दिया तीसरा 60 एबो जनरल को वैक्सीन मिलनी चाहिए इस श्रेणी में मोदी जी आते थे तो तब मोदी जी ने लिया तो फिर विपक्ष ने पॉलिटिक्स चालू किया कि अभी देश के श्रेष्ठ लोगों को वैक्सीन लगाना है मोदी ने क्यों लगा दिया ये सब पॉलिटिक्स का सामना करते हुए भी हम हमारे काम में डटे रहे आउटपुट ये निकला कि 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का डेलीगेशन को लीड करते हुए गया था तो मुझे बेल बिल गेट्स मिला हम भारतीय लोग हैं कोई मिलते तो खड़े होकर बाहर जाते हैं गेट तक जाते हैं एंट्रेक करते हैं हमने किया और उस वक्त बिल गेट्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस हैंडसेक के दरमियान बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव ऐसा करके उन्होंने हिंदुस्तान को शाबाशी दी तब मुझे मेरे देश के सामर्थ्य पर गौरव हुआ कि जो दुनिया नहीं कर पाई वो इंडिया ने कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन ड्राइव 2.20 यानी कि 2.2 बिलियन डोज बस करोड़ डोज इंडिया ने लगा दिया आज इंडिया में नाइन्टी नाइन परसेंट लोग वैक्सीनेटेड है और उसका नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी तुरंत ही पटरी पर आ गई आज दुनिया के डेवलप्ड कंट्री में भी डेवलपमेंट ग्रोथ वन परसेंट टू परसेंट ज़ीरो परसेंट थ्री परसेंट चाइना में भी फोर फाइव परसेंट इंडिया सिक्स परसेंट एबोव जी ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है बहुत बड़ी देश की उपलब्धि है और ये उसका नत, उसका रीज़न है कि देश में मोदी जैसा डिसिसिव लीडरशिप है एक एक और चीज़ को लेके भारत के सामर्थ्य की काफ़ी बात हुई वो था वैक्सीन मैत्री जो छोटे छोटे देश थे या जिनके पास खुद का वैक्सीन नहीं था उनको हमने दिया काफ़ी तारीफ हुई उसकी इंटरनली कुछ आलोचना भी हुई इसके पीछे क्या था कुछ ऐसी बात बताइए जो हमें अभी तक पता नहीं है देश मैं ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन मैत्री के आपने सही बताया कि तारीफ भी हुई और उसके ऊपर पॉलिटिक्स भी हुआ पॉलिटिक्स ये हुआ कि देश में वैक्सीन का रिसर्च हो गया और वैक्सीन की लाइफ जब शुरुआत में कोई इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन में होता है तो पहले उसकी लाइफ तीन महीने की होती है बाद में छः महीने की बाद में एक साल की धीरे 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 उसकी लाइफ साइकिल बढ़ती जाती है ये टेक्निकल विषय है तो देश में वैक्सीन का रिसर्च हो गया और उस वक्त हमारे सामने पॉलिटिकल लड़ाई छेड़ दी थी मदद करना तो एक की एक साइड की बात रही लेकिन विपक्ष लोग पॉलिटिक्स करना चालू कर दिया था कि ये वैक्सीन अच्छी नहीं है ये वैक्सीन नहीं लगाना तो एक और हमारे पास उस वक्त वैक्सीन पड़ी थी उसकी लाइफ साइकिल कम थी तो हमने ये वैक्सीन वैक्सीन मैत्री के तहत हम तो नेबर नेबरहुड पॉलिसी वाले लोग हैं पड़ोसी पहले रिश्तेदार हमारे होते हैं पड़ोसी कंट्री और पड़ोसी देश सुरक्षित नहीं होते तो हम भी सुरक्षित नहीं हो पाएंगे इन हेल्थ सेक्टर तो हमारी सुरक्षा के साथ पड़ोसी की सुरक्षा भी जुड़ी हुई है तो वैक्सीन मैत्री के तहत हमने पड़ोसी कंट्री को यहाँ जो वैक्सीन पड़ा था वो देना चालू किया और देश में जब हम लोगों ने व्यापक तौर पर पब्लिक अवेयरनेस का कैंपेन चलाया और जनता ने विपक्ष की बात को इग्नोर कर दिया कि ये तो सारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम तो वैक्सीन लगाएंगे मोदी जी ने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का नारा दिया तो देश वैक्सीन लगाने लगे तो उस वक्त फिर उन्होंने अभियान चलाया कि वैक्सीन कहाँ है मोदी ने वैक्सीन पड़ोसी देशों को पड़ोसी देशों को दे दिया मोदी ने वैक्सीन बेच दिया पहले आप लगाने के लिए ना कहते थे और हमारे पास एक्सेस था तो हमने वैक्सीन मैत्री के तहत दिया लेकिन जब देश में वैक्सीन की डिमांड बढ़ी तो हमने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में गति लाई और मैं आपको उल्लेख के साथ बताना चाहूँगा कि जब डेल्टा वेरिएंट चल रहा था देश में वैक्सीन की जरूरत थी मैं स्वयं पाँच दिन पाँच कंपनी में एक एक दिन रुका था सभी कम कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है उसकी वीकनेस क्या है उसको क्या मदद की आवश्यकता है कई कंपनी के पास रॉ मटेरियल की कमी थी तो हमने प्रधानमंत्री जी को कह के विदेश से बात कराई जयशंकर जी को बोल के विदेश में बात कराई और हमने जो दुनिया को मेडिसिन के लिए सपोर्ट किया था हमने दुनिया को वैक्सीन के लिए सपोर्ट किया तो दुनिया भी हमारे साथ खड़ी रही और उस वक्त दुनिया ने हमें रॉ मटेरियल दिया कई कंपनी के पास रॉ मटेरियल था लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो उसको आर्थिक सहयोग किया कई कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं थी लेकिन वो बल्क प्रोडक्शन कर सकते थे तो हमने उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का एनालिसिस करके उसको हैंड होल्डिंग किया नतीजा ये निकला कि देश के 2021 में सितंबर अगस्त सितंबर में प्रति महीने 10-15 करोड़ डोज मैन्युफैक्चरिंग करने की कैपेसिटी हमने हासिल कर ली और उस वक्त पार्लियामेंट के फ्लोर पर मैंने कहा था कि दिसंबर के अंत तक हम देश को वैक्सीनेटेड कर देंगे और नवंबर तक हमने देश में 90 परसेंट लोगों को वैक्सीनेशन लगा दिया था ये हमारी वैक्सीनेशन जर्नी की सफल स्टोरी है और उसका नतीजा और आउटपुट ये निकला कि देश कोविड के सामने लड़ने में सक्सेस हो गया अपने बात की हमने बाकी देशों की मेडिसिन के लेके भी काफ़ी सहायता की आप हेल्थ मिनिस्ट्री में आप मिडवे आए कोविड के टाइम में लेकिन फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट आपके पास काफ़ी पहले से था तो शुरुआती दौर में पिछली सेकेंड वेव के टाइम उससे पहले मेडिसिन के डिमांड सप्लाई को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और उसमें बोला जाता है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से उस बारे में कुछ बताएंगे कि वो डिमांड सप्लाई के गैप को आपने किस तरह से मैनेज किया था ये बहुत अच्छा विषय है क्योंकि जब कोविड आया तो मुझे बराबर याद है ट्वेंटी मार्च ट्वेंटी को देश में लॉकडाउन लगा और फोर्थ अप्रैल को प्रधानमंत्री जी ने मुझे कॉल किया था और प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त मुझे कहा कि देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन की क्या स्थिति है कैलकुलेशन करके मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया कि प्रधानमंत्री जी देश में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन हमारी जरूरत के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग करने की हमारी कैपेसिटी है उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने हमें गाइड किया था कि हमें देश हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करना है और दुनिया को भी मदद करना है और इसलिए जो भी कुछ करना है एक्शन करना चाहिए और उस वक्त देश की सभी फार्मा कंपनी के साथ मीटिंग करके उसको कहा था कि आप अपना मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दो लॉकडाउन से मुक्ति के लिए हमने उसको लॉकडाउन पास दे दिया सभी फार्मा कंपनी के एम्प्लॉइज़ को लॉकडाउन पास दे दिया और देश में फार्मा इंडस्ट्रीज चालू हो गई सभी फार्मा इंडस्ट्रीज़ के साथ बातचीत करके खास करके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड एजिथ्रोमाइसिन हम उस दिन हर दिन रेगुलर बैठते थे एनालिसिस करते थे प्लानिंग बनाते थे हम जब एसेसमेंट करते थे तब देश में मैक्सिमम कितनी हाइड्रोक्सी टैबलेट की ज़रूरत है तो जब कई मॉडलिंग हमारे सामने आते थे कि ये महीने में इतना केस होगा ये महीने में इतना केस होगा समझ लो कि एक महीने में प्रिडिक्शन आया कि भाई अगस्त महीने में दस लाख केस हो सकता है तो हम जब एसेसमेंट करते थे तब दस प्लस दस बीस लाख केस होंगे दस लाख केस का मॉडलिंग हो तो बीस लाख केस होंगे प्लस ट्वेंटी परसेंट अबाउ और उस वक्त हमें कितनी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की ज़रूरत होगी वो ये हिसाब से हम हमारा मैन्युफैक्चरिंग कर करके उसका स्टॉक मेंटेन करते थे एक ताकि देश में कोई भी स्थिति में मेडिसिन की किल्लत ना हो एश्योर करते थे दूसरा एक्सपोर्ट उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करके एक्सेस मेडिसिन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन का एक्सपोर्ट करते थे मैं आपको बता दूँ कोविड के दरमियान लॉकडाउन में सब एयरपोर्ट बंद थे हमारी सब एयरलाइंस बंद थी लेकिन दुनिया से हर दिन चार और पाँच प्लान केवल देश में मेडिसिन और वैक्सीन लेने के लिए आता था और जब इंडिया से में मेडिसिन लेने के लिए दुनिया के प्लान आते थे देश के दुनिया के 150 कंट्री में उस वक्त हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन सप्लाई किया उसमें से 64 कंट्री ने थैंक यू मोदी जी करके किसी ने ट्वीट किया कंट्री हेड ने किसी ने प्रधानमंत्री जी को कॉल करके थैंक यू कहा उसकी दूसरी भी विशेषता है जैसा मैंने आपको आग आगे बताया कि हेल्थ हमारे लिए कॉमर्स नहीं है हमारे लिए सेवा है 150 कंट्री में हमने मेडिसिन सप्लाई की उस वक्त हम चाहते तो प्राइस बढ़ा सकते थे लेकिन हमने प्राइस नहीं बढ़ाई जो पहले की प्राइस में ही हमने दुनिया को सप्लाई किया जब दुनिया मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज स्टॉक कर रही थी स्टॉक कंपाइल कर रही थी उस वक्त हम वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया को मदद कर रहे थे नतीजा ये निकला कि दुनिया आज हमारे कठिन स्थिति में साथ में रहने वाला कंट्री कौन है तो उसका नाम इंडिया है ऐसा मानता है दूसरा उस वक्त पॉलिटिक्स चल पड़ा मेडिसिन के लिए पॉलिटिक्स चल पड़ा जो आपने मुझे पूछा पहले कि भाई आपने उस वक्त बैन लगाया फिर आपने एक्सपोर्ट दिया देश में हमने मेडिसिन एक्सपोर्ट पर शुरुआत में बैन इसलिए लगाया था इस समय के दरमियान हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है हमारे पास रो मटेरियल कितना है रॉ मटेरियल हम कहाँ से लाएंगे रॉ मटेरियल की कि प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है ये एनालिसिस करके हमें हमारा एनालिसिस हो गया और हमें पता चला कि वी आर वी हैव इनफ रो मटेरियल एंड ऑल टाइप ऑफ थिंग्स तो बाद में हमने के एक्सपोर्ट पर बांध भी हटा दिया दूसरा उस वक्त जब हमने एक्सपोर्ट चालू किया तो क्रिटिसिज्म होने लगा कि ये मेडिसिन बाहर बेच दे रहे हैं देश में किल्लत हो गई होगी मैं आपको बता दूं मेरी भी बेटी डॉक्टर है और वो भी कोविड में सेवा दे रही थी और उन्होंने मुझे एक बार कॉल कर दिया कि पापा सचमुच आप मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहे कर दे रहे हो और देश में नहीं मिल रही ऐसा मैं न्यूज़ में पढ़ रही हूँ तब मैंने मेरी बेटी को कहा था कि बेटा ये मोदी गवर्नमेंट है और मैं मोदी जी का मंत्री हूँ मैं कभी देश में किल्लत हो और दुनिया को एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाए और देश के लोगों को मेडिसिन नहीं मिले ऐसा कभी नहीं कर सकता और मैंने उसको सही बात बताई तब जाके उसको सेटिस्फेक्शन हुआ और धीरे धीरे देश को भी कभी किल्लत नहीं हुई तो पता चला कि मोदी गवर्नमेंट ने वैक्सीन और मेडिसिन मैनेजमेंट कैसे किया आज उसकी सराहना हो रही है आज महंगा मिले तो भी दुनिया को इंडिया से लेना है क्यों क्योंकि जब दिक्कत होती है क्राइसिस होती है तब इंडिया हमारे साथ खड़ा रहता है तो वैसे हम खड़े रहे उसका आज नतीजा है कि दुनिया में इंडिया की प्रशंसा हो रही है मोदी का गुड कोविड मैनेजमेंट की प्रशंसा हो रही है मंत्री जी अभी भी जैसे आलोचनाओं की बात हो रही थी कुछ आलोचक अभी भी, भी बोलते हैं कि वैक्सीन बहुत जल्दी तैयार कर लिया गया ठीक से र, रिसर्च नहीं किया गया शोध नहीं किया गया उसके दुष्परिणाम दिख रहे हैं जैसे अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं लॉन्ग कोविड वगैरह की लोग बात करते हैं इसको कैसे इसके पीछे क्या आप साइंटिस्ट से बात होती होगी बाकी लोगों से बात होती होगी मैं आपको ये बता दूँ मोदी जी ने पहले से ही सारा कोविड मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन रिसर्च चले के वैक्सीनेशन ड्राइव तक अप्रूवल तक की सारी प्रोसीजर को साइंटिफिक बेज को फॉलो किया है प्रधानमंत्री जी का निर्देश था और इसलिए इंसा इंसाकोक बना नेगवेक बना एम ग्रुप बने अलग 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 जो वैक्सीन को अप्रूवल देने का काम करता था कौन सी मेडिसिन का प्रोटोकॉल क्या है उसके ऊपर एम्पावर्ड साइंटिस्ट लोगों का रिस एम्पावर्ड ग्रुप सलाह देता था सारी कोविड क्राइसिस जर्नी कोविड के सामने जो लड़ाई लड़ी उसमें हमने साइंटिफिक बेस को फॉलो किया साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि वैक्सीन को कब अप्रूवल मिलनी चाहिए उसका डेटा उसका डेटा का एनालिसिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कंपनियों ने जिस स्टैंडर्ड को फॉलो किया वो ही स्टैंडर्ड को इंडिया ने फॉलो किया हाँ ये बात आपकी सही है कि जल्दी और क्वेश्चंस भी हो सकता है कि जल्दी अप्रूवल क्यों मिल गई आज समय बदल गया है पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता था उसको फिजिकल एना एनालेस, एनालिसिस किया जाता था उसको सारी प्रोसीजर वो मैनुअल होती थी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मॉडलिंग है डिजिटल टेक्नोलॉजी है तो ये सब का इस्तेमाल करके उसको स्पीड कैसे ला, जा, ला जाए लाई जाए और इंटरनेशनल क्या प्रैक्टिस है तो जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस वैक्सीन रिसर्च और वैक्सीन का अप्रूवल के लिए होती है वही सिस्टम को इंडिया ने फॉलो किया इसलिए हमने जल्दी वैक्सीन का रिसर्च करके हमने उसको अप्रूवल दिया कोई जगह पे हमने उसको कोई पॉलिटिसाइज़ नहीं किया है पोलिटा पॉलिटिसाइज करने का कोई सवाल ही नहीं है और इंडिया की वैक्सीन आज दुनिया में बेस्ट वैक्सीन्स के रूप में जानी जाती है और देश को बचा लिया और दुनिया को बचाने में भी हमारी वैक्सीन ने सहयोग किया ऐसी एक नहीं पांच वैक्सीन इंडियन रिसर्च एंड इंडियन मैन्युफैक्चरिंग वैक्सीन आज मार्केट में है तो डेटा साइंटिफिक डेटा साइंटिफिक प्रोटोकॉल को फॉलो करते करते हुए साइंटिफिक रिकमेंडेशन के आधार पर वैक्सीन रिसर्च और वैक्सीनेशन जर्नी चली है ये मैं आपके सामने इश्योर कर सकता हूँ एक और बात बहुत चलिए उन दिनों में हमारे वैक्सीन की बात हो रही है फाइजर और मॉडर्ना को लेके। काफ़ी लोग बोलते थे कि नहीं उनका वैक्सीन क्यों नहीं हम ले रहे हैं उन्होंने बड़े सारे शर्तें लगाई इंडेम्यूनिटी क्लॉज मांग रहे थे बहुत कुछ मांग रहे थे लेकिन हमारी सरकार कभी उनके सामने झुकी नहीं इसके पीछे क्या था अभी पूरी दुनिया हर हम, हम हमेशा से हम लोग हम लोगों ने शुरू से कोविड को फॉलो को किया रिपोर्ट किया और हर जगह बोला जाता था काफ़ी लॉबिंग भी हो रही थी साथ में बहुत सारे कंडीशनस मांग मांग मां रहे थे इंडेमिनिटी क्लॉज उसमें से काफ़ी खास था पैसा था ही तो उसकी क्या था ऐसा जो अभी अभी तक सामने नहीं आया है उस बारे में उसमें विषय यह है पहले तो एक ग्लोबलाइजेशन के समय में हमें एक दूसरे को सहयोग करना होता है इन हेल्थ सेक्टर और कई रिक्वायरमेंट हमारी होती है कई हमारी स्ट्रेंथ होती है कई दुनिया की अदर कंट्री की स्ट्रेंथ होती है तो एक गलत बात है कि इंडिया ने कोई कंपनी को देश में आने के लिए रोका हो जब उन्होंने डेटा के साथ इंडिया में अप्लाई किया तो जिस तरह से इंडियन कंपनियों को अप्रूवल मिली उस तरह से उसको भी अप्रूवल मिली ये एक बात दूसरी बात है इंडिमिनिटी क्लोज के बारे में उस वक्त देश में स्पुतनिक वैक्सीन भी थी इंडियन वैक्सीन भी थी इंडिया में कोई भी दुनिया की कंपनी को आना है आए यहाँ अपनी प्रोडक्ट वैक्सीन हो मेडिसिन हो वो बेचना हो बेचे हमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को तो सभी फॉलो करना ही होगा हम इन क्लोज हमारी कंपनी ने नहीं मांगा स्पुतनिक ने नहीं मांगा तो मैं मेरी कंपनी से इनडिमनिटी क्लोज से हमारी कंपनी ने मुक्ति नहीं मांगी और ये हमारा रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे तो दुनिया की कंपनी भी हमारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे स्वाभाविक है विषय इतना ही था और जब उन्होंने अप्रूवल मांगा और सारा अपना डेटा इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर को जमा कराया तो उसको भी हमने अप्रूवल दे दिया था तो हम इन फार्मा सेक्टर एंड हेल्थ सेक्टर में दुनिया के साथ हमारी रिश्तेदारी साझा करना चाहते हैं हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है किसी के फेवर में नहीं है एक विशेष बात यह है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो इंडियन कंपनी के लिए रूल्स रेगुलेशन है ये ही रूल्स रेगुलेशन इक्वल राइट फॉरेन कंपनी को भी देता है कई कंट्री में ऐसा नहीं है जो इंडिया में है इसलिए ये बात एक्चुअल सचमुच देश की समानता की के के प्रतीक है और दुनिया उसकी सराहना करती है तो सर अब साढ़े तीन साल के आसपास हो गए इंडिया में पहली बार जब आए और दुनिया में उससे कुछ एक आदमी ने पहले आया था अब केसेस नहीं आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बीच में एक वेब आया अभी तो कुछ ख़ास नहीं हुआ तो क्या मान लें कि एंडेमिक स्टेज में पहुंच गया है पैंडमिक कोविड पैंडमिक को पैंडमिक बोलना बंद करें एंडेमिक मान सकते हैं कोविड एंडेमिक बनने के कगार पर है लेकिन हम इंडिया में हमारे साइंटिस्ट लोग आई की टीम कोविड के हर वेरिएंट पर नज़र बनाए रखी हुई है आज तक देश में 224 से अधिक वेरिएंट आए हर वेरिएंट को जीनोम सीक्वेंसिंग कंटिन्यूस चलता रहता है कोई नया वेरिएंट पाया जाता है तो वेरिएंट को तुरंत ही आइसोलेट किया जाता है आइसोलेट करके उसके ऊपर वैक्सीन की इफेक्ट को चेक किया जाता है और वो कितना घातक है उसको भी मापा जाता है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और हम उसके पर नज़र बनाए रखें ताकि भविष्य में भी कोई ऐसा वेरिएंट आके देश में और दुनिया में तबाही ना मचाए आज के दिन में तो जो स्थिति है वो टेबल है सारी दुनिया में और भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी हम अलर्ट हैं लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि ये वायरस है और ये वायरस कभी जाने वाला तो है नहीं वो सर्वाइव कर गया है तो सामान्यतः व्यक्ति को बाद में धीरे 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 जैसा इन्फ्लुएंजा का वायरस है तो सर्वाइव कर गया अभी उसका कोई ना कोई नया वेरिएंट आता है तो जुखाम थोड़ा होता है और लोगों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करता है वैसा कोविड का होना है और ज़्यादातर ये हो चुका है सर कोविड के अलावा हेल्थ से रिलेटेड एक और चीज़ आजकल कई कुछ महीनों से बार बार आ जाती है कब सिरप के मामले को लेकर अलग अलग देशों ने कुछ कुछ शो उठाए हैं कि इंडिया में बन के बाहर जो एक्सपोर्ट हुआ है इसके बारे में कुछ सरकार कोई कदम उठा रही है उसमें दो चीज़ है कि कोई जगह पे इंडियन मेडिसिन के सामने पेशेंट्स खड़ा कर देना और उसके तथ्य में हम जाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल गांबिया में एक बार कहा कि 49 नाइन डेथ बच्चों का हो गया तो जिन्होंने बोला था वहाँ की गवर्नमेंट ने हमने लिखा डब्ल्यू में किसी ने बोला था हमने उसको लिखा कि आप तथ्य बताओ कोई लोगों ने हमें तथ्य नहीं बताया हमने एक कंपनी का सैंपल चेक किया हमने वहाँ कॉज ऑफ़ डेथ का रीज़न जानने की कोशिश की तो पता चला कि एक बच्चे को डायरिया था तो बच्चों को डायरिया था तो उसको कब सिरप देने के लिए रिकमेंडेड किसने किया दूसरा रिपोर्ट ऐसा आया कि कुल मिला के ट्वेंटी फोर सैंपल लिया गया उसमें फोर सैंपल फेल हो गया क्वेश्चन से होता है कि जब एक्सपोर्ट के लिए एक ही बैच बनाई गई एक ही बैच का सैंप में जब सारा फेल हो जाए तो सारा सैंपल फेल हो जाए नाइनटीन सैंपल पास हो जाए और फोर सैंपल फेल हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है लेकिन भी हम अलर्ट हैं देश में क्वालिटी मेडिसिन बने उसके लिए हम हर संभव रिस्क बेज पर एनालिसिस करते रहते हैं अभी हमने 125 से अधिक रिस्क बेज जहाँ जिसका सैंपल मार्केट में फेल होता है फेल होने का कई रीज़न होता है कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो मार्केट में सैंपल उसका फेल हो जाता है कई चीज़ों को लेके उसमें प्यूरियस क्वालिटी भी एक विषय होता है तो एक कंपनी में जाके हमारे स्कॉड विजिट कर रही है आज तक सवा सौ से अधिक कंपनी की विजिट की गई उसमें सेवेंटी वन कंपनियों को शोकोज नोटिस भी दी गई और एट्टीन कंपनी को क्लोज़र भी दिया गया है मैं आपके माध्यम से दुनिया को एश्योर करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान मेडिसिन में क्वालिटी के के साथ कभी बार्गेनिंग नहीं करेंगे हम जीरो टॉलरेंट पॉलिसी से चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जैसा विदेश में वैसा ही देश में फ्यूरियस मेडिसिन से किसी के जीवन का दीप नहीं बुझना चाहिए उसके लिए संभव अलर्ट रहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी और बहुत बहुत शुभकामना थैंक यू धन्यवाद